2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में क्या होंगे आम आदमी पार्टी के मुद्दे? कौन होगा पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी? कैसे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और किसे विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंद्वी मान रहे हैं प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया? आइए बात करते हैं दिल्ली संगम विहार विधानसभा से विधायक और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया से। बात होती है हमेशा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती से काम चल रहा है, सदस्य अभियान भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जहन में लोगों की एक बात आती है कि क्या मुख्यमंत्री उत्तराखंड का होगा, क्या मुख्यमंत्री होगा जो बनेगा वो क्या वो एक आम आदमी ही होगा, या कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो बाहर से लाया गया हो या एक बहुत हाई उसमें जो पहले से राजनीति में जुड़ा हुआ है वो मुख्यमंत्री। देखिए, ये हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वो आदमी उत्तराखंड से होगा, बेहतर चेहरा होगा, लोग उसमें एक उम्मीद देखेंगे कि वो आदमी जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड बना उन सपनों को पूरा करने वाला होगा। ये क्राइटेरिया तो लगभग तय है कि इस तरीके से हम एक विकल्प लोगों को देंगे। और जहां तक हमारा ये मानना है कि लोग आज ये चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो उत्तराखंड को उत्तराखंड बना दे, मतलब उत्तराखंड केवल अलग जस्ट अनदर स्टेट तो नहीं था, ये तो नहीं था कि केवल एक मैप पे कुछ लाइनें खींच दी जाएंगी और ये कहा दिया जाएगा कि जी ये अलग प्रदेश है। ऐसा तो ये कोई पत्थर और नदियों का तो मतलब नहीं है ना कि आपने केवल मैप पे लाइन लगा दी कि ये प्रदेश है। प्रदेश का मतलब होता है जो जन भावनाएं हैं उनको प्रतिबिंबित करे कि ये हमारी कल्चर है, ये हमारा सोच है, इस सोच से बनाए राज्य। दिनेश मोहनिया जी का उत्तराखंड से जुड़ाव कैसा? देखिए, एज ए प्रभारी मैं यहाँ काम कर रहा हूं, लोगों से बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और एज ए प्रभारी मेरा ये मानना है कि मैं ड्यूटी पे हूं, यहाँ की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरे को यहां से चुनाव नहीं लड़ना, बस पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का संगठन बढ़ा रहे हैं। और फिर निश्चित तौर पर आपने कहा कि भाई क्या सीएम लोकल होगा, तो निश्चित तौर पे होगा, और ऐसे ही निश्चित तौर पे जो 70 के 70 कैंडिडेट होंगे वो भी लोकल होंगे। तो मेरा काम केवल मैनेजमेंट का है, उन अच्छे चेहरों को, उन युवाओं को ढूंढना। मैं आपको बता दूं कि हम जो हमारी विधानसभा है वो देश की यंगेस्ट विधानसभा है एवरेज के हिसाब से, जो एज के हिसाब से, क्योंकि हमें लगता है कि यूथ में एनर्जी है, वो चाहता है कि इस प्रदेश में, इस देश में कुछ बदले। उन युवाओं को ढूंढ रहा हूं मैं, उन बेहतर चेहरों को ढूंढ रहा हूं जो हो सकता है बड़े नाम ना हो, हो सकता है बड़े मंत्री ना हो। मेरा यही सवाल आपसे अगला सवाल था कि क्या युवा जो है, यूथ जो है, क्या राजनीति में आम आदमी पार्टी के साथ आएगा और चुनाव लड़ेगा? निश्चित तौर पर लड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि आजकल यूथ में ना थोड़ा सा एक ट्रेंड है, वो ये कहता है कि जी आई हेट पॉलिटिक्स, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति कोई घृणा करने का विषय नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हैं देश बदलना चाहिए, देश में अच्छा होना चाहिए, तो करेगा कौन? करना तो आपको ही पड़ेगा, ये देश किसी और का नहीं है, प्रदेश किसी और का नहीं है, आपका है। तो फिर आपको भी उतरना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं राजनीति में जाऊं या ना जाऊं, पार्टिसिपेट करूं या ना करूं, लेकिन राजनीति मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को प्रभावित करेगी। अगर अच्छी राजनीति होगी तो अच्छी तरह प्रभावित करेगी, अगर गलत राजनीति होगी तो गलत तौर पर प्रभावित करेगी। तब हमें तय करना है कि देश में राजनीति कैसी होनी चाहिए। कई बार मैं कहता हूं कि कुर्सी खाली नहीं रहेगी, अच्छे आदमी को नहीं बैठाओगे तो बुरा आदमी बैठेगा, कुर्सी खाली नहीं रहने वाली। इसलिए ढूंढ ढूंढ के अच्छे लोगों को लाइए, अच्छे लोगों को गद्दी पे बिठाइए, तभी इस देश का और इस प्रदेश का कुछ भला हो सकता है।